एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोपहर का 1 बज गया है और खाना पीना मतलब खाना बना लिया है, अभी खाया नहीं है। कटहल की सब्जी बनाई है और आज हम ना घर जा रहे हैं देहरादून। ये आने वाले हैं, 1 बज गया है, ये ना घर से 10 बजे निकले थे और आने वाले होंगे, बस हो सकता है आ भी जाएं अभी। और मैं सुबह ही नहा ली थी लेकिन मैं ना कुछ तैयार नहीं हुई थी, मैंने सोचा चलो एक ही बार हो जाऊंगी तैयार, क्या बार बार होना। तो अभी मैं ना बैग लगाऊंगी, सारे कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हैं, देखो सब कपड़े उलट पुलट हो रहे हैं, बैग लगाऊंगी और आज ही निकलेंगे हम, क्योंकि ये आज ही आएंगे और आज ही जाएंगे साथ के साथ। और बच्चे कैरम खेल रहे हैं, दीदी उधर लेटी है, ये देखो बच्चों का कैरम बोर्ड चल रहा है। बच्चों के खूब मजे आए हैं वैसे खेलने में ना, चारों बच्चे ने मिलकर पूरा उधर मचा रखा है। तो चलो मैं बैग लगा लेती हूँ, सारे कपड़े लेके थोड़े से आए थे और भर पूरा बैग है, क्योंकि इनके साथ में गिट्टी ले आ गई। आराम से तो बोल लो भाई, आराम से बोल लो, गर्मी बहुत। और इतने मैंने बैग लगाया, ये भी आ गए थे, तो मैं पूरी सेक रही हूँ। खाना तो मैंने सब तैयार कर लिया था, सब्जी रायता आटा लगा के रख दिया था। पहले तो बोला उन्होंने तो बोला था कि रोटी बना दो, लेकिन बच्चों का मन हो रहा था कि पूरी बना दो, फिर ये भी बोलने लगे कि चलो अच्छा पूरी ही बना दो, कटहल की सब्जी के साथ पूरी अच्छी भी लगती है। तो मैं यहाँ बस पूरी बना रही हूँ, पूरी बना के इन सबको खाना खिला दूँगी। तो ये देखिए मैंने इनकी प्लेट लगा दी है, कटहल की सब्जी पूरी रायता, और चावल नहीं बनाए थे आज, चावल अच्छे लगते हैं कटहल की सब्जी के साथ। तो ये देखिए ये खाना खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे, और इधर मम्मी बैठ के सलाद काट रही है। सलाद में वही खरबूजा, खीरे तो नहीं थे, खरबूजा है और भी सामान है। और दीदी ना किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं। और यहाँ सबको खाना खिलाने के बाद और बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैं अपने आप तैयार होने लगी हूँ। मैं अपने बाल कंघी कर रही हूँ और मेरे बाल ना इतने ज़्यादा उलझते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं। एक तो मेरे बाल पतली है इस वजह से ज़्यादा उलझते हैं, और आज सुबह मैंने जब सर धोया था ना तो मैंने अपने बाल कंघी नहीं किए थे, मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो इस वजह से ज़्यादा भी उलझ रहे थे। नहीं तो अगर साथ के साथ कंघी कर लो ना तो इतने नहीं उलझते हैं। तो मुझे बाल कंघी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो बस अब मैं तैयार हो जाऊँगी। और मेरा ना पैर सुन हो गया था तो मुझे ज़्यादा देर ना बैठा नहीं। तैयार हो गई हूँ मैं, और वे ना गाड़ी लेने गए हैं अभी, तब तक मैं थोड़ा सा घर संगवा दो दीदी का, नहीं तो फिर दीदी को बाद में करना पड़ेगा सारा काम, सारे में ऐसे ही फैल रहा है। ले परी ये पलेटे भी रख लेना बैग में, एक पलेट। हाँ तो करती हो, बिहारीगढ़ हाँ बिहारीगढ़ नहीं आती, फिर एक बार तो फायदा कर देंगे बिहारीगढ़ को। जब रस्ते में गाड़ी गाड़ी का गाड़ी का इधर सर होना, रात के दिक्कत है कपड़े कपड़े मारा कर लेता पे खाना देखो पता चलेगी कुछ नहीं। हां गुड, लगन दी इसकी दलिया की सब। हां ये रसोई पे रख। तो बस अब हमारी विदाई हो रही है, यहाँ पे सबको मिलाई दी जा रही है जो देते हैं, तो वो हम गले मिल रहे हैं, ननंद भाभी और ये मम्मी है मेरी सास, तो सबके पैर छू के बस ये गाड़ी में बुला रहे हैं बाहर, चलो चलो, तो बस चले जाएंगे घर। चला
और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बोले जा रही हूँ अंदर गाड़ी में और मुझे पता नहीं है कि शीशा बंद हो रहा है, आवाज़ नहीं जाएगी। अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, अब देखिए मैंने कि मेरी तो आवाज़ आ ही नहीं रही है, तो इस वजह से मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पे। तो बस अब चलते हैं अपने घर को। पर्स घर पर ही भूल आए हैं दीदी के, फिर मम्मी का फ़ोन आया कि पर्स ले जाओ, ये पर्स लेने गए हैं। यशवी लेके आ रही होगी, बहुत दूर चले गए थे, बहुत आगे निकल गए थे, अब दोबारा आए हैं। फिर कौन आया था लेकर? यशवी। मैं पानी गली के भाई अंदर ही पानी से पानी भी आ गया, पानी के तो बोल रहे थे, पानी के बगैर तो काम चल जाता ना भाई। पानी तो हाँ आगे से भी ले लेते, लेकिन पर्स अगर छूट जाता वो तो अच्छा हुआ है ना, अभी याद आ गया। हाँ तो दिख गया होगा, वो जैसे याद आ गया। फ्रिज पे रख के आया, फ्रिज पे रखा था ना मैंने, फ्रिज पे ही रखा था। भाई बर्फ ला के दे यार, ठंडा नहीं हो रहा भैया, पानी भी अच्छा नहीं लगता। ये तो अच्छा लग रहा है, ये तो पानी को ही बना लेती मसाला डाल के। इसमें डाल दे, हाँ इस वाले बच्चों को दे दिया। हाय तो बोल दो कैमरे में। अब अच्छा हो रहा है, ज्यादा ठंडा पीने से भी गला खराब हो रहा है। गर्मी कितनी हो रही है, ये भी तो देखो। मैंने आइसक्रीम एक ही दिन खाई बस, हमने भी खाई थी वहाँ आइसक्रीम, उसी दिन मेरा गला खराब हो गया था। नहीं थोड़ा तो नॉर्मल पीते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने देहरादून में एंट्री कर ली है, और देहरादून में आते ही ना इतना सुकून मिलता है, इतनी ठंडक, इतनी हरियाली। इतनी गर्मी हो रही थी ना उधर इलाके में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और इधर आते ही एक अलग सा ही सुकून मिलने लगा था बिल्कुल। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। वैसे देहरादून में है तो बहुत अच्छा, अगर कोई एक बार आ जाए ना देहरादून में तो वो कभी जाने का नाम नहीं लेगा। बहुत ही अच्छा है देहरादून शहर, मन इतना लगता है, इतनी शांति है, इतनी हरियाली, बहुत ही अच्छा लगता है देहरादून में। 8 बज गए हैं और अभी ना बस 10-15 मिनट और लगेगी घर तक जाने में, और धूल मिट्टी से आँखों में ना वो हो रहा है, एकदम पूरी धूल मिट्टी हो रही है। और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना यहाँ, बहुत ही ज़्यादा देहरादून में लग रहा बारिश हुई है। ये क्या हो रहा है इधर? अच्छा नाला है ये क्या है जी इधर? काना जी को तुम ले लो, बैग उठा लिए, बैग पापा ने कहा मैं ले। हवा बहुत ठंडी चल रही है, देख। आ गए हम अपने घर, देख लेना सीट से चढ़ा देना भाई। गेट खोल भाई। हाय कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ, नमस्ते अंकल जी। हाँ आ गए, चाबी मांग पापा से। चाबी, बहुत तेज हवा चल रही है। क्या हाल बुरा है घर का। पहुंच गए हैं हम अपने घर, 9 बज गए हैं पहुंचते पहुंचते। आ तो गए थे हम 8 ही बजे, लेकिन एक घंटा पूरा देहरादून में लग जाता है घुसते घुसते।
मैं तो लेट गई हूँ आके, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, अभी करूँगी। और घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ी देर लेती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, हाथ मुँह धोऊँगी। किरकिर किरकिर हो रहा है पूरा मुँह, हवा ना बहुत तेज़ चल रही थी बाहर, और फिर भी यहाँ बहुत सुकून है। देहरादून जैसी तो बात कहीं भी नहीं है, वहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ। चलो अब काम को हम करूँगी, पहले सबसे पहले मुंह धो के हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करूँगी। और चलो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।